और बड़ी खबर, यूपी में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला। 15 आईपीएस अफसरों का उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है। एन रविंदर एडीजी पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं। डीजीपी के जीएसओ का भी चार्ज रविंद्र को है। अमित चंद्रा एडीजी पीटीसी मुरादाबाद बनाए गए हैं। रामलाल वर्मा आईजी ईडी ईओ डब्ल्यूएलयू बनाए गए हैं। वहीं अनिल कुमार आईजी पीएससी पूर्वी जोन बने हैं। रामकृष्ण भारद्वाज प्रमोशन के बाद बस्ती के आईजी। वहीं रविंद्र गौड़ गोरखपुर जोन में आईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। सुभाष दुबे भी प्रमोशन के बाद आईजी ट्रैफिक बने हैं। अखिलेश कुमार आईजी आजमगढ़ पद पर प्रमोट। केशव चौधरी एडिशनल सीपी आगरा पर प्रमोट। अनीस अंसारी भी आईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। चनम पन्ना भी वाराणसी में एडिशनल सीपी पर प्रमोट। दिनेश कुमार भी एसीपी गाजियाबाद पद पर प्रमोट। ब्रजेश कुमार मिश्रा एसपी पीटीएस सुल्तानपुर बने हैं। बबलू कुमार डीआईजी एंटी करप्शन बनाए गए हैं। आशुतोष शुक्ला एसपी रेलवे मुरादाबाद बने हैं। उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और इस प्रकार से जो है उनकी पोस्टिंग हुई है। सुभाष दुबे भी प्रमोशन के बाद आईजी ट्रैफिक बने हैं। अखिलेश कुमार आईजी आजमगढ़ के पद पर प्रमोट हुए हैं। केशव चौधरी जो है वो एडिशनल सीपी आगरा पर प्रमोट हुए हैं। अनीस अंसारी भी आईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। चनपन्ना भी वाराणसी में एडिशनल सीपी पर प्रमोट। दिनेश कुमार भी एसीपी गाजियाबाद पद पर प्रमोट हुए हैं। ब्रजेश कुमार मिश्रा एसपी पीटीएस सुल्तानपुर बने हैं। बबलू कुमार डीआईजी एंटी करप्शन बनाए गए हैं। वहीं आशुतोष शुक्ला एसपी रेलवे मुरादाबाद बने हैं। तो कुछ इस प्रकार से इन सभी अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन हुए हैं। इन अन्य अन्य विभागों में इन्हें अब पोस्टिंग मिली है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए एक फिर से बड़ा फेर बदल यूपी ब्यूरोक्रेसी में हुई है। किस प्रकार से ये फेर बदल हुए हैं, तबादले हुए हैं? देखिए, इसमें से आज जो अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है आईपीएस अफसरों की, इसमें ज्यादातर लोग उन्हीं जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। अमित चंद्रा मुरादाबाद में पहले से ही आईजी थे पीएसडी के, उनको वहीं पर एडीजी बना दिया गया है। और रविंदर गौड़ जो गोरखपुर में डीआईजी थे, उनको वहीं पर आईजी बना दिया गया है। आर के भारद्वाज को बस्ती रेंज के वो डीआईजी थे, वहीं पर उनको आईजी बनाया गया है। इसी तरह से काफी सारे अधिकतर अधिकारी जहाँ थे वहीं प्रमोट कर दिए गए हैं। एन रविंदर हैं जो डीजीपी के एसीओ थे, अब उनको पुलिस मुख्यालय का भी एडीजी बनाया गया है। और ब्रजेश मिश्रा जो अभी तक चुनार में एसपी थे, उनको पीटीएस सुल्तानपुर में एसपी बनाया गया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। और मुरादाबाद रेलवे में नए एसपी की तैनाती की गई है। अनीस अंसारी को भी डीआईजी पद पर प्रमोशन दिया गया है। ये तबादले उत्तर प्रदेश में एक रूटीन की तरह देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। ये जो अधिकारी जहां था उसको उसी पद पर वहां प्रमोट कर दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।